पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में टीम इंडिया की, मेरे भाई साहब, चार परेशानियां खत्म हो गई हैं। चार परेशानियां, जिन चीजों को लेकर, जिन बातों को लेकर टीम इंडिया लगातार परेशान थी, टीम इंडिया लगातार ये सोच रही थी कि भाई साहब इनका हल कैसे निकाला जाएगा इन परेशानियों का, पाकिस्तान के खिलाफ इस मैच में वो चार परेशानियां खत्म हो गई हैं। और जाहिर तौर पर एशिया कप के बाद, क्योंकि हमें वनडे वर्ल्ड कप खेलना है, अपने घर में खेलना है, तो उसके लिहाज से टीम इंडिया बहुत बेहतर तरीके से संकेत टीम इंडिया के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि ये चार परेशानियां वास्तव में टीम इंडिया को पिछले एक साल से परेशान कर रही थी। इन चार परेशानियों का हल टीम इंडिया को मिल नहीं पा रहा था। इन चारों परेशानियों ने टीम इंडिया की नाक में दम किया हुआ था। कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ दोनों परेशान थे इन चार परेशानियों को लेकर। लेकिन अब जो है पाकिस्तान के खिलाफ इस एक मैच ने टीम इंडिया को बेहतर संकेत दिए। सबसे पहली परेशानी जो खत्म हुई है ओपनर के तौर पर, क्योंकि शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से पाकिस्तान की मजबूत गेंदबाजी के खिलाफ ओपनिंग साझेदारी की, उससे पता चल गया कि इन दोनों बल्लेबाजों में बड़ी पार्टनरशिप करने का दम है। और अगर ये दोनों बेहतर शुरुआत देंगे तो ये भी पता चल गया कि टीम इंडिया बड़ा स्कोर बना पाएगी। टीम इंडिया के पास वो फिनिशर हैं, टीम इंडिया के पास वो बल्लेबाज हैं जो पाकिस्तान जैसी गेंदबाजी के खिलाफ 350 रन बना सकते हैं, वो भी ऐसी पिच पर जहां पर गेंदबाजों को मदद हो। ऐसी पिच पर 350 रन बनाना, वो भी पाकिस्तान जैसी गेंदबाजी के खिलाफ, ये जाहिर तौर पर बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ओपनर के तौर पर टीम इंडिया की परेशानी खत्म हो गई है। उसके बाद में दूसरी परेशानी जो खत्म हो गई है टीम इंडिया की, वो थी नंबर चार की। ऐसा लग रहा है कि शायद नंबर चार पर अब केएल राहुल आपको खेलते नजर आएंगे, जिस अंदाज में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बल्लेबाजी की और जिस अंदाज में उन्होंने चोट से वापसी की, जाहिर तौर पर टीम इंडिया खुश होगी, महकमा खुश होगा, क्रिकेट फैंस को भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि नंबर चार की परेशानी टीम इंडिया की सुलझी नहीं थी। अगर बात हम 2019 के वर्ल्ड कप की बात की करें, क्योंकि 2019 के वर्ल्ड कप में पहले नंबर चार पर केएल राहुल ही खेल रहे थे, आपको याद होगा, लेकिन शिखर धवन जब चोटिल हो गए थे और बाहर हो गए थे, तब राहुल ऊपर चले गए थे और वहां से फिर मतलब जो गाड़ी थी वो ट्रैक से उतर गई थी, क्योंकि 2019 में पहले शुरुआती कुछ मैचेस में नंबर चार पर केएल राहुल ही थे टीम इंडिया के लिए। अब दोबारा से केएल राहुल नंबर चार पर आ गए हैं और जाहिर तौर पर टीम इंडिया की वो परेशानी जो है वो खत्म हो गई है। तो ये भी टीम इंडिया के लिहाज से एक बहुत बेहतर संकेत है। केएल राहुल का शतक टीम इंडिया को कॉन्फिडेंस देगा, राहुल को भी कॉन्फिडेंस देगा। उसके बाद में जो तीसरे नंबर की परेशानी है वो थी जसप्रीत बुमराह की वापसी कैसी होगी, किस तरीके की गेंदबाजी बुमराह करेंगे, किस तरीके से प्लानिंग करेंगे, ये तमाम चीजें टीम इंडिया परेशान थी इन बातों को लेकर। तो जाहिर तौर पर जसप्रीत बुमराह की जो वापसी रही है वो भी टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छे संकेत दे रही है और ये साफ हो चुका है कि टीम इंडिया अब एक बेहतर गेंदबाज टीम इंडिया को मिल चुका है, फॉर्म है जसप्रीत बुमराह के पास। सबसे बड़ी बात क्या है कि लाइन लेंथ तो है ही है, फॉर्म उनके साथ है और बेहतर विकेट चटका रहे हैं। तो ये एक टीम इंडिया के लिए जसप्रीत बुमराह की वापसी और अच्छी वापसी, विकेट चटका रहे हैं, तो ये भी टीम इंडिया के लिहाज से बहुत बेहतर संकेत है। उसके बाद में मेरे भाई साहब एक और जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि तीसरा गेंदबाज कौन हो या फिर चौथा गेंदबाज कौन हो, क्योंकि ये भी बात कही जा सकती है। तो वो परेशानी टीम इंडिया के सामने थी कि भाई साहब वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में हमारे पास वो कौन गेंदबाज हो जो तीसरे गेंदबाज की किरदार अदा करेगा तेज गेंदबाजी के तौर पर। तो जाहिर तौर पर वो परेशानी भी हार्दिक पांड्या ने खत्म कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने आज गेंदबाजी की पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बाबर आजम को फंसाया और जिस अंदाज में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की, तो जाहिर तौर पर इससे ये साफ समझा जा सकता है कि टीम इंडिया की गेंदबाजी बहुत बेहतर उम्दा नजर आ रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह, सिराज आपको पावर प्ले में नजर आएंगे, हार्दिक पांड्या तीसरे गेंदबाज के तौर पर नजर आएंगे, कुलदीप और जडेजा स्पिन गेंदबाज के तौर पर नजर आएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संतुलन टीम इंडिया का बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सारे के सारे गेंदबाज बढ़िया हैं, सारे के सारे गेंदबाज फॉर्म में हैं, विकेट चटका रहे हैं। तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत अच्छा संकेत, एक डेडली कॉम्बिनेशन गेंदबाजी का टीम इंडिया का बनता नजर आ रहा है वर्ल्ड कप से पहले, क्योंकि हार्दिक पांड्या की जिस फॉर्म की बात हम कर रहे हैं, जिस फिटनेस की बात हम करते हैं, वो हमें नजर आ रही है गेंदबाजी में, हमें नजर आया जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने पहले प्लान बनाया। और बाबर आजम का देखिए, वनडे क्रिकेट में बाबर आजम नंबर एक बल्लेबाज हैं और बाबर का विकेट चटकाना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनका विकेट चटकाने के लिए आपको एक प्लानिंग बनानी पड़ती है और वो प्लानिंग हार्दिक पांड्या ने बनाई। पहले तीन गेंदें बाहर निकाली, उसके बाद में चौथी गेंद इनकटर डाल दी और बाबर आजम बोल्ड हो गए। तो अगर आपके पास एक ऐसा गेंदबाज है जो
दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज को बोल्ड कर सकता है, तो जाहिर तौर पर इसका मतलब साफ है कि आपकी टीम बहुत अच्छी जा रही है। आपके पास नंबर तीन के लिए एक अच्छा गेंदबाज है। अगर आप नंबर एक के बल्लेबाज को आउट कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं वो भी, तो इससे साफ पता चलता है कि बाबर आजम की तकनीक को भी अगर हार्दिक पांड्या ने भेद दिया तो इसका मतलब उनके पास तकनीक के तौर पर और फॉर्म के तौर पर विकेट टेकिंग डिलीवरी है। तो ये भी टीम इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। हार्दिक पांड्या का फॉर्म में होना वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए बहुत जरूरी है मेरे भाई, बहुत जरूरी है। इसीलिए हार्दिक पांड्या का ये विकेट, जो बाबर आजम का विकेट उन्होंने लिया है, ये ना केवल टीम इंडिया को कॉन्फिडेंस देगा बल्कि हार्दिक पांड्या का भी मोरल बूस्ट करेगा और कप्तान रोहित शर्मा का भी मोरल बूस्ट होगा। रोहित शर्मा भी ये भरोसा जताएंगे हार्दिक पांड्या पर अब कि हाँ, हमारे पास तीसरे नंबर का जो गेंदबाज है वो केवल ऑलराउंडर नहीं है, वो केवल पार्ट टाइम नहीं है, वो परमानेंट गेंदबाजी कर सकता है। और जब कप्तान आपके ऊपर ऐसा भरोसा जताता है तो टीम का मोरल बूस्ट होता है। तो ये जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए बहुत अच्छे संकेत है हार्दिक पांड्या का विकेट चटकाना। तो जाहिर तौर पर ये चार जो संकेत मिले हैं, ओपनर के तौर पर बढ़िया प्रदर्शन करना, नंबर तीन पर चार पर केएल राहुल का शानदार कमबैक करना, जसप्रीत बुमराह का शानदार कमबैक करना और हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी, ये चारों चीजें जो हैं ये टीम इंडिया को बहुत मजबूत बनाएंगी मेरे भाई। तो आपका इन चारों बातों को लेकर क्या कहना है और कौन सी ताकत आपको लगता है कि टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी जो खत्म हो गई है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।